नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं गांव अजाड़की के अंदर, यहां पर विशाल पशु मंडी लगती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा को पशुपालन के लिए देश भर में जाना जाता है और पशुओं की मुर्रा नस्ल की भैंस देश भर में प्रसिद्ध है। वैसे तो हरियाणा में बहुत सी मंडियाँ हैं, पशुओं की मंडियाँ लगती हैं, परंतु गांव अजाड़की जिला फतेहाबाद की मंडी पशुओं के व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहां पर व्यापार के लिए हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से व्यापारी आकर भैंसों का व्यापार करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इस पशु मंडी के अंदर आपको सभी प्रकार की भैंसें मिल जाती हैं। यहाँ पर आप आकर किसी भी प्रकार की नस्ल की भैंस को खरीद भी बेच सकते हैं। इस मंडी की जगह क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा है, जिससे यहाँ पर अधिक पशु आने पर भी कोई परेशानी नहीं होती है और अलग अलग राज्यों के व्यापारी यहाँ आने से मंडी में रोमांच बना रहता है। इस मंडी के अंदर किसान भाई पशुओं को काफ़ी सुंदर तरीके से श्रृंगारते हैं। यदि आप इस मंडी के अंदर आए हैं तो आपको मूर्ख वगैरह या रस्सियाँ, किसी भी प्रकार की आप रस्सी वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। यदि कोई किसान भाई मूर्ख वगैरह नहीं बनाना जानते तो वह यहाँ से मूर्ख वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो मंडी कच्ची होने के कारण पशुओं को भी यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती और पशु हैं जो वो परेशानी नहीं मनाते हैं। तो आप जैसा देख ही सकते हैं कि यहाँ पर किसान भाई अलग अलग अपने अपने पशुओं को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर, और इस मेले के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं पशुओं के बैठने के लिए छायादान और अच्छे तरीके से चारपाई वगैरह किसानों के लिए बैठने के लिए, और पशुओं को इधर उधर भी आप घुमा सकते हैं ताकि जो पशु हैं वह परेशान ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसान भाई अपने पशुओं को इधर उधर ले जा सकते हैं आसानी से। काफ़ी खुली मंडी होने के कारण यहाँ किसानों को और पशुओं को कोई परेशानी नहीं होती है। और इस मंडी की कुछ खासियतें हम आपको बता दें कि यह मंडी काफ़ी खुले एरिया में है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस मंडी का जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर किसान भाइयों को पशु ले जाने में और उतारने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ साधन वगैरह भी बहुत अच्छी मात्रा में हैं, जिससे आप किसी भी समय कभी भी किसी भी पशु को खरीद या बेचकर यहाँ से ले जा सकते हैं। और साधन यदि आप लेना चाहते हैं तो इस मंडी के अंदर आपको साधन भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो किसान भाई जैसा कि देख सकते हैं आगे इस मंडी के अंदर इन्होंने जो छायादान का प्रबंध किया है वह भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि यदि पशु आपका गर्मी के अंदर है तो आप छायादान के नीचे उस पशु को बिठा सकते हैं, जिससे पशु गर्मी में गर्मी से बचा रहता है और पशुओं को गर्मी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, कैसे लगी आपको ये वीडियो? और इसी प्रकार आप हमारे चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अन्य किसान भाइयों और अपने दोस्तों से शेयर करें। यदि आप कोई प्रश्न या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। इस मंडी की शुरुआत 2 फरवरी 2020 को हुई थी और यह मंडी फतेहाबाद और रतिया रोड के बीच में है, गांव अजाड़की के अंदर। यदि आप इस मंडी के अंदर आना चाहते हैं तो ये फतेहाबाद से कुछ ही रतिया रोड के ऊपर दूरी के ऊपर ये मंडी है। तो हम आपको आज की जो मुख्य भैंस है उसके बारे में बता देते हैं। जो इस मंडी की पहली भैंस है वो 1,75,000 रुपये में बिक्री हुई है। उस भैंस के बारे में हम आपको दिखाएंगे, जो काफ़ी खूबसूरत भैंस है। तो किसान भाइयों, ऐसे ही आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। जो आप यह भैंस देख रहे हैं यह 1,75,000 रुपये की बिकी है और भैंस काफ़ी खूबसूरत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि भैंस को देखते ही पता चलता है कि ये इतने रुपए की है। तो नमस्कार, धन्यवाद।